सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब बॉडी किस में घूमेगी, इन अ सर्कल। अभी तक जितने भी चैप्टर किए उसमें बॉडी कैसे मूव करती थी, इन लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। अब कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन। क्लियर है यहां तक, अब सर्कुलर मोशन है और वर्ड क्या लग गया आगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि अगर आपका कोई भी, आपकी कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर इंस्टेंट पर स्पीड की वैल्यू विल रिमेन सेम, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 10 10 10 एंड 10। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है और स्पीड उसकी कॉन्स्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, नो। आप कहेंगे वो क्यों नहीं, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर और सर्कुलर मोशन में हर बार अपनी डायरेक्शन बॉडी क्या कर रही है, चेंज। तो इसलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर, चाहे स्पीड चेंज नहीं हो रही, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग, राइट, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने अभी तक कौन सी मोशन डिस्कस की, लीनियर, अब हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर। हम कंपेयर करेंगे कैसे, जो काम लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट करती थी एक्स, एक्स का मतलब जैसे कार इधर से इधर गई, कवरिंग अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, तो हम एक्स मीटर में कैलकुलेट करते थे। सर्कुलर मोशन में वो काम कैसे कैलकुलेट होगा, एक बॉडी अगर ए से बी पे आ गई तो आप ये नहीं बोलेंगे एक्स कवर हुआ, आप बोलेंगे सेंटर पे थीटा कवर हुआ। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट किससे मेजर की जाती है, एंगल से, कि सेंटर पे एंगल कितना कवर हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में एक्स और सर्कल में जब बॉडी मूव करेगी तो सेंटर पे एंगल कितना कवर हुआ, और इस एंगल को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे भी एंगुलर मोशन हमने क्या किया था, मोशन, अब हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोशन का मतलब मूविंग इन अ सर्कल। तो जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स करती थी वो काम यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा, थीटा करेगा। पहला स्टेप क्लियर है, तो सर्कुलर मोशन में थीटा, लीनियर मोशन में एक्स। दूसरा रूल, अगर मैं एक्स को डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास क्या आएगी, लीनियर वेलोसिटी वी। तो जो काम उसमें लीनियर वेलोसिटी वी करती थी वो काम इसमें कौन करेगा, आप थीटा को डिफ्रेंशिएट करें, डी थीटा बाई डी टी, तो वेलोसिटी आएगी जिसका नाम क्या होगा, ओमेगा। इस जो काम इसमें वी करता था, वी का मतलब वी का मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो जो काम इसमें लीनियर वेलोसिटी वी करती थी वो काम इसमें कौन करेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा करेगा। कोई डाउट इसमें, तो v का काम कौन करेगा इसमें, ओमेगा करेगा, राइट। तीसरा, जो काम इसमें एक्सेलरेशन करती थी, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, वो काम इसमें कौन करेगा, अल्फा, और v की जगह क्या होगा, ओमेगा। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इसके अंदर जो काम x वो काम थीटा, तो x means linear velocity, theta means angular velocity, v का मतलब linear velocity, sorry, x का मतलब linear displacement और theta का मतलब angular displacement, linear velocity v, angular velocity omega, linear acceleration a, angular acceleration alpha, तो linear acceleration क्या होती है, dv by dt, और इसमें velocity क्या होती है, angular omega, तो d omega by dt क्या है, alpha। तो जो काम इसमें लीनियर एक्सेलेरेशन करेगा वो काम इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन करेगा। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। दूसरा, इसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस में मेजर करते हैं, मीटर। वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, राइट। इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, रेडियंस। रेडियंस और एंगुलर वेलोसिटी किस में मेजर करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकेंड, और ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियंस
पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक यूनिट्स? ठीक, नेक्स्ट है, जैसे मोशन के अंदर हम इक्वेशन बनाते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे ही इसके अंदर बॉडी लीनियर मोशन में नहीं है, बॉडी किस में घूम रही है ना, सर्कल। तो जब बॉडी सर्कल में घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा नॉट मींस उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यू और वी को कैसे मन में सोचते हो, एक गाड़ी चल रही है यू, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ गई वी, तो अभी क्या है यू, अभी क्या है वी, ऐसे सोचते हो। इसमें ऐसे सोचेंगे, एक डिस्क घूम रही है ओमेगा नॉट, स्पीड तेज हो गई, कितनी हो गई ओमेगा, तो घूमने की स्पीड ओमेगा नॉट से क्या हो गई ओमेगा। पंखा स्लो घूम रहा है ओमेगा कम है, पंखा तेज घूम रहा है ओमेगा ज्यादा है, तो पंखा स्लो से तेज घूम रहा है इसमें अल्फा जनरेट हो गया, जैसे यू से वी हो गया तो ए जनरेट हो गया, इसमें ओमेगा नॉट से ओमेगा हो गया तो अल्फा जनरेट हो गया। बिल्कुल मोशन की तरह सोचना है। तो इसीलिए जो काम वी करेगा वो काम इसमें ओमेगा करेगा, जो काम यू करेगा वो काम इसमें ओमेगा नॉट करेगा, जो काम ए करेगा वो काम इसमें अल्फा करेगा। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह क्या लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नेक्स्ट है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस की जगह वी की जगह ओमेगा, यू की जगह ओमेगा नॉट, ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा। बन गई ना इक्वेशन? तो जो काम इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन में करती थी वो काम इसमें सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन करेगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू अल्फा इंटू थीटा। उसी तरीके से एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस की जगह थीटा, यू की जगह ओमेगा नॉट, ए की जगह अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो बिल्कुल मोशन की सेम इक्वेशन चल रही है इसमें, जैसे मोशन में ऐसे इसमें, कोई डाउट इसमें? राइट, क्लियर है? अब इसमें अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो एक चक्कर कवर करने का टाइम क्या है, टी। ठीक है, एक चक्कर एक रेवोल्यूशन या एक सर्कुलर मोशन एक रेवोल्यूशन का टाइम क्या है, टी। तो अगर मैं ये बोलूं कि टी सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन होते हैं, वन रेवोल्यूशन, तो वन सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन है, वन बाय टी रेवोल्यूशन, और एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन बाय टी। राइट, फ्रीक्वेंसी को या तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न न्यू न यू न्यू। ठीक है, यहां तक प्रोनाउंसिएशन है न्यू, क्योंकि एक म यू भी होता है म्यू। ठीक है, तो ये न्यू है, समझ में आ रहा है यहां तक, ये म्यू है। ठीक है, न्यू म्यू, समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं, वी नहीं होता, न्यू ऐसा होता है, ऐसा होता है एक्चुअल में, ये वी होता है, वी ऐसा होता है, ये एक तरफ से ऊपर की तरफ होता है। कई बुक सही नहीं बनाती, कई बुक ऐसा बना देती हैं, कन्फ्यूजन होती है, लगता है ये वी है कि न्यू है, ये बड़ी कन्फ्यूजन है इसमें। तो एक्चुअल में सिंबल थोड़ा बड़ा सा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो बेटर है या तुम एफ लिख लो, टेंशन ही खत्म। पर तुम क्या लिखोगे, किताब अगर न्यू लिखेगा तो तुम भी क्या कर सकते हो, पढ़ना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपकी सर्कुलर मोशन की इंट्रोडक्शन है।